कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस अमूल्य वचन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो उत्तम रीति से कर्म करने का आग्रह करे। जो जितना ही उत्तमता के निकट आएगा उतना ही परमेश्वर के निकट होगा। अतः जो कार्य करो उसमें प्रधान लक्ष्य उत्कृष्टता का ही समाहित रहे। इसी महान नियम द्वारा पालनकर्ता को उत्कृष्ट फल के दर्शन होते हैं। ये मत विचारो कि हमें उत्कृष्टता के अनुपात का पुरस्कार प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः काम को उत्तम रीति से करें। स्मरण रहे, उत्तम कृत्य स्वयं ही फल है। ऐसा करने से उत्तम तत्व की अवश्य सिद्धि होगी। अपना प्रत्येक कार्य उत्कृष्टता के भाव से करने में जो आनंद लाभ होता है उसका वर्णन असंभव है। आत्म तत्व के पुजारी, ये अनुभव करो कि तुम उत्कृष्टता से कार्य करने के निमित्त बने हो। जो आगे बढ़ता है वो स्वस्थ, शक्तिमान और दीर्घजीवी रहता है। जो थककर एक ही स्थान पर हार कर बैठ जाता है वो निर्बल, अशक्त और अल्पजीवी होता है। ये नियम है जो प्रकृति में सर्वत्र दिखाई देता है। जो फिरेगो सो चरेगो, बंधव भूखो मरेगो, अर्थात जो चल फिरकर गतिशील जीवन व्यतीत करेगा उसे खुलकर भूख लगेगी। जो एक स्थान पर बंधा रहकर गतिविहीन जीवन व्यतीत करेगा उसकी निष्क्रियता उसे मार डालेगी। आलस्य शत्रु है, सक्रियता जीवन जागृति का लक्षण है। श्रम ही मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट पूंजी है। आलसी व्यक्ति परिवार तथा समाज का शत्रु है। वो दूसरों के संचित श्रम पर निर्वाह करता है। कार्यशीलता चरित्र को चमकाकर द्युतिमान कर देती है और स्वास्थ्य सौंदर्य से परिपूर्ण कर देती है। अच्छे विचारों, अच्छी आदतों या शुभ संकल्पों को ग्रहण करना हमारे वश की बात है। देव वृत्तियां जब सोने लगती हैं तभी दुष्ट अशुभ वृत्तियां जागती हैं। असुर हमारे अंदर सोए पड़े रहते हैं, या यूं कहिए कि हमारे मन में बसने और सदा जागृत रहने वाले देवता उन्हें दबाए रहते हैं। हमें देव वृत्तियां जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा, विनय आदि को सतत जागृत और विकासोन्मुख रखना चाहिए। यदि शुद्ध वृत्तियां या अपने मनोरंजन में सोए हुए देवता लगातार जागते रहें, अपना देवोचित कार्य सजगता से करते रहें, तो असुर वृत्तियों को पनपने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता और मनुष्य दिव्य मार्गों में बढ़ता चला जाता है। शुभ संकल्पों को ग्रहण कर कार्य रूप में परिणत करना हमारे हाथ में है। हम सदैव सावधान रहें और विवेक से अच्छी आदतों को ही चुनें। आपकी शक्तियां उत्तरोत्तर उपयोग से ही बढ़ती हैं। यदि उनसे काम न लिया जाए तो वे सोने या क्षय होने लगती हैं। प्रत्येक कार्य का कारण विचार है। हम अपने मानसिक साम्राज्य के स्वतंत्र राजा हैं। अपने मानसिक कल्पनात्मक राज्य में आप पूर्ण स्वतंत्र हैं और सब नियमों के निर्माता आप स्वयं ही हैं। सब कुछ आप ही हैं। असंभव को संभव बना सकते हैं। ये आपका ऐसा गुप्त राज्य है जिसे न तो कोई देख सकता है तथा न आपके विचारों से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है। कठिनाई और सरलता, असफलता और सफलता, लाभ और हानि, उन्नति और अवनति, सब आपके मन के अनुसार ही आपके जीवन में प्रतिबिंबित होती हैं। जीवन में सबसे आवश्यक अपने शुभ संकल्पों की सिद्धि के लिए सावधान रहकर प्रयत्न करना ही है। अपनी महानता में सदा विश्वास रखिए। मनुष्य के मन में ऐसी अद्भुत शक्तियों का भंडार है जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्य भी नहीं कर सकता। मन की प्रधानता होने के कारण ही इस शरीर का नाम मनुष्य है।
विकसित मन वाले व्यक्ति को ही मनुष्य कहना चाहिए। जीवन में प्रत्येक पल पर मन का प्रभाव देखा जाता है। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही बंधन अथवा मोक्ष में पड़ता है। विचारों को एक उद्देश्य पर केंद्रित करने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। अतः जैसे विचारों का मनन, चिंतन या मन में निवास होगा, वैसी ही इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी। यदि आपके विचार नीचे स्तर के विषय वासना, व्यर्थ खेलकूद, मनोरंजन, सैर सपाटा, क्षणिक आनंद के हैं, तो शक्ति वैसी ही होगी। जिनके विचार क्षण क्षण बदलते रहते हैं, वे भला कैसे आगे बढ़ेंगे? जहां विचार दृढ़ और संशय रहित हैं, वहां शक्ति प्रबल और तीव्र होगी। विचारों में स्थिरता और टिकाऊपन दृढ़ता और श्रद्धा से आता है। जरा विचार कीजिए, आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं? क्या आप हाड़ मांस, रक्त, चमड़ा आदि दुर्गंध युक्त घृणोत्पादक पदार्थों से बने हुए पुतले हैं? नहीं, आप हाड़ मांस रक्त कुछ नहीं है। आप एक देव मूर्ति हैं। विचारें तो आपको मालूम होगा कि आप शरीर नहीं हैं, किंतु स्वयं विचार हैं, स्वयं शक्ति हैं। आप वैसे ही हैं जैसा आप वस्तुतः विचार करते हैं। यदि आप अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर मात्र हैं। यदि आप अपने को महान आत्मा, सर्वशक्तिमान आत्मा समझते हैं, तो वास्तव में सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न योद्धा हैं। आप दिव्य मूर्ति हैं। अपने संकल्प से आप जो चाहें बन सकते हैं। आप बलवान, स्वस्थ, तेजस्वी होने के जन्मसिद्ध प्रकृत अधिकारी हैं। कभी मत कहिए कि मैं दुखी हूं, अशक्त हूं, गरीब हूं, वृद्ध हूं, बीमार हूं, निर्बल हूं। ये सब बातें शरीर संबंधी हैं। आप शरीर से ऊंचे हैं, आत्मा हैं, दैवी शक्ति के नायक हैं, सबके स्वामी हैं। आप अपने मन पर पूर्ण अधिकार कीजिए, उसे बलवान बनाइए। शरीर भी मन की आज्ञा मानेगा, फिर दुख, चिंता, निर्बलता, वृद्धावस्था या असफलता का अस्तित्व न रहेगा। निर्बलता छोड़ दीजिए, भ्रम के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में जागिए। कायरपन के शब्दों का व्यवहार अपनी बातों में कदापि न कीजिए। हृदय और मन में दुख, शोक, रोग, पीड़ा, हानि, निर्बलता एवं आपत्ति की बातों को स्थान मत दीजिए। उन्नति का मार्ग कठोर और दुरूह होता है। संसार को पसंद नहीं आता। वे उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं जो उन्नति कर रहा है। यदि आप जगत की व्यर्थ की बातों की परवाह करेंगे, तो सदैव के लिए निराशा के गड्ढे में गिरकर सदा एक ही स्थिति में सड़ते रहेंगे। कूप मंडूक बनकर बाहर का संसार न देख सकेंगे। ये दुर्बलता के विचार आपकी संकल्प शक्ति की परीक्षा के लिए आते हैं। अतः इनसे विचलित न होकर अपनी दृढ़ता का परिचय दीजिए। असमर्थता मत दिखाइए। दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से असाध्य भी सुसाध्य हो जाएगा। जीवन का ज्ञान ही मनुष्य के जीवन को सही, कंटक विहीन मार्ग पर चलाने वाला अमृत है। जिस व्यक्ति के पास जीवन संबंधी ज्ञान, सुख दुख, हानि लाभ, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, उतार चढ़ाव का ज्ञान अधिक है, वही दूसरे से आगे निकलता है और सफल कहा जाता है। जीवन का ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। मनुष्य स्वयं जीवन जीता है, तरह तरह की गलतियां करता है, प्रत्येक गलती के लिए सजा पाता है, सफलता के लिए प्रशंसा का पात्र बनता है। इस मृदुता और कटुता से उसका जिंदगी संबंधी अनुभव बनता है। ये अनुभव ही मनुष्य के जीवन का निचोड़ है।
लेकिन कई व्यक्ति बार बार गलती करते हैं फिर भी अनुभव नहीं प्राप्त करते, न उससे लाभ उठाते हैं। जो व्यक्ति केवल अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हैं वे लाभ तो उठाते हैं पर यह अनुभव बड़ी देर में प्राप्त होता है। सद्भावना पूर्ण व्यवहार युक्त दूसरे नागरिक ही आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान देने वाले हैं। उनके दृष्टिकोण एवं विचारधारा पर आपकी सफलता अवलंबित है। जैसा आपके पड़ोसी, मातहत, अफसर, आसपास वाले समझते हैं वैसे ही वास्तव में आप हैं। समाज में आपके एक एक कार्य की सूक्ष्म अलक्षित तरंगे निकला करती हैं और दूसरों पर प्रभाव डाला करती हैं। भलाई, शराफत, मृदुता का एक बार किया हुआ सद्व्यवहार वो धन है जो रात दिन बढ़ता है। यदि दैनिक व्यवहार में आप ये नियम बना ले कि हम जिन लोगों के संपर्क में आएंगे उनमें से छोटे बड़े सबके साथ सद्भावना युक्त व्यवहार करेंगे, मधुर भाषण करेंगे, कटुता और आलोचना से बचते रहेंगे, तो आपके मित्र और हितैषियों की संख्या में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी। आप किसी से भी ये न कहिए कि तुम नीच हो, तुम में बुद्धि, समझदारी, तर्क शक्ति, ज्ञान, सतर्कता नहीं, तुम कठोर, कमजोर, दुर्बल, डरपोक, अस्थिर, अविवेकी हो, तुम में सोचने समझने की शक्ति नहीं, तुम में स्वास्थ्य, तेजस्विता, शक्ति, पूर्णता, प्रेम का अभाव है, अपनी कार्य शक्ति में विश्वास नहीं। इस प्रकार के नकारात्मक अभाव युक्त शब्द अपने विषय में कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। दूसरों के गर्व को चूर करने वाले ऐसे अनेक शब्द पारस्परिक वैमनस्य, कटुता, शत्रुता और लड़ाई के कारण बनते हैं। आप दूसरे से इस प्रकार की बातचीत कीजिए कि जिससे उसके सम्मान और गर्व की रक्षा होती चले। यदि किसी व्यक्ति के मन पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये बात बैठ जाए कि आप उसका सम्मान करते हैं तो वो सदैव आपकी प्रतिष्ठा करता रहेगा। प्रशंसा देने से मिलती है और घृणा, क्रोध, तिरस्कार, कुआलोचना करने से, यही सब हमें भी प्राप्त होते हैं। गुण ग्राहक बनिए। दूसरों में जो उत्तम बातें हैं उन्हें प्रकट में लाने के लिए आप अवसर खोजते रहिए। तनिक सी गुण ग्राहकता से दूसरा व्यक्ति एकदम आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि जब दूसरा देखता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, उसकी महत्ता स्वीकार कर रहे हैं, गुणों की तारीफ कर रहे हैं, तो वो अनायास ही आपसे प्रभावित हो जाता है। संभव है कि कोई किसी समय हतोत्साहित हो रहा हो और आपकी गुणग्राहकता से उसका टूटता साहस पुनः जागृत हो जाए। जब हम लोगों का गुणग्राहक दृष्टि से निरीक्षण करने लगते हैं तो हर प्राणी में कितनी ही अच्छाइयां दिख पड़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहते नहीं थकता। वो एक ऐसा आदमी चाहता है जो उसकी बातें, मनोव्यथाएं, आप बीती घटनाएं, उसी के विचार और दृष्टिकोण सुनता रहे। प्रत्येक आदमी अपने विचारों में दिलचस्पी रखता है और अपने विचार दूसरों पर प्रकट करना चाहता है। दूसरों की बातें ध्येय पूर्वक सुनना बहुत बड़ी बात है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह दूसरे के अहम को उत्तेजित करना है। आप देखेंगे कि उनकी बातों में आत्म प्रशंसा, अपनी वीरता, बुद्धि, धैर्य, कुशलता, संतुलन, ईमानदारी, वफादारी, सावधानी, विज्ञता, विपुलता इत्यादि के उदाहरण भरे पड़े होंगे। अतः अपनी अपनी मत तानिए, दूसरे की सुनिए और उसे अपने विषय में अधिक कहने का अवसर दीजिए। दूसरों की आलोचना करना बड़ा खतरनाक है। आलोचना इस ढंग से की जाए कि दूसरे की कमजोरियों पर एक इशारा मात्र हो जाए। भौंडे तरीके से की गई आलोचना या व्यर्थ का दोषारोपण बड़ी हानि पहुंचाता है। अच्छा तो यह है
कि आप इस कार्य से दूर ही रहें और इस काम को किसी दूसरे ही को करने दें। यदि करना ही पड़े तो घुमाकर दूसरे की निर्बलताओं की ओर संकेत ही कीजिए। दूसरा जब समझता है कि उसके विषय में आपके हृदय में अति उच्च धारणाएं हैं, तो वो केवल आपको प्रसन्न करने मात्र के लिए उसी स्टैंडर्ड तक आने की चेष्टा करता है। यदि उसमें कोई दुर्गुण भी होता है तो उसको भी त्याग देता है। प्रत्येक व्यक्ति में दिलचस्पी लेकर उसकी गुप्त दुनिया में प्रवेश कीजिए, उसके गुण दोष देखिए, फिर प्रीत युक्त दृष्टिकोण और शहद सी मधुर भाषा में उसे समझाइए। जब आप दूसरों को प्रसन्न मुख से अपनी ओर बुलाते हो या बातचीत करते हो, तो उसे हार्दिक प्रसन्नता और उत्साह होता है। प्रसन्नता दैवी आकर्षक तत्व है। आप सदैव प्रसन्नता से ही बातें कीजिए। जब आप दूसरे के पास मिलने जाएं, तो भी आपको प्रसन्नता प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रसन्नता से दूसरा व्यक्ति भी पुष्प की भांति खिल उठता है। प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, खुशी, उत्साह, जिंदा दिली, उल्लास और आनंद शब्द नहीं, रत्न है। इन शब्दों के अंदर छिपे हुए भावों को जीवन में उतारिए और अपने स्वभाव का एक अंग बनाइए। लोगों के पास अपनी ही मुसीबतें कम नहीं हैं। वे मुहर्रमी सूरत पसंद नहीं करते। उन्हें तो आपके हास्य, विनोद, उत्तम स्वभाव, प्रसन्न मुख, आकर्षक बातें, नई नई चमत्कार पूर्ण उक्तियों की आवश्यकता है।